सो हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे ओडिशा फैंटेसी ब्रोजर्ड। चल मित्र फ्रेंड्स, आज जो मैच खेला जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्सेस तस्मानिया के भी जो फ्रेंड्स मैच खेला जाएगा, आज का पहला मैच, इसका मैं आपको ड्रिलमेन टीम देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को प्रेस नहीं किए तो बेलाइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अपनी टीम क्रिएट कर पाए। बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की, तो इस मैच में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा वो मैं देने वाला हूं, साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि काफी चमन विन कर सकते हैं। वेन्यू की बात करते हैं फ्रेंड्स, एडिलेड में ये मैच खेला जाएगा जहां की पिचेस जो है ऑलमोस्ट बैटिंग फ्रेंडली रहती है, तो अगर आप अपनी टीम बना रहे तो थोड़ा ज्यादा बैट्समैन को लेके जाइएगा तो आपके लिए बेस्ट होगा। गाइस, इस मैच में जो बहुत से लोग को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये मैच T20 है, ODI है या फिर T10 या फिर टेस्ट मैच है, तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो मैच है ये टेस्ट मैच है। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करें तो एज ए ज्यादातर आप जो अपनी टीम में मतलब बैट्समैन और ऑलराउंडर के ऊपर फोकस कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसा फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर कितने आते हैं। फ्रेंड फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 250 के आसपास रहता है, लेकिन फ्रेंड 250 से भी कभी कभी जो है ज़्यादा स्कोर बन जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी सेकंड इनिंग की एवरेज स्कोर की बात करें तो तकरीबन 240 के आसपास रहने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की प्लेइंग 11 की, तो फ्रेंड्स प्लेइंग 11 की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, इसमें से रिलेटिव कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज़ कुछ भी आता है तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ही प्रोवाइड किया जाएगा, तो जल्दी से जाके जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का अगर लिंक नहीं वर्क करता तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना है, जाने के बाद वहां पे आपको सर्च करना है XYZ867। जैसे आप इसे फ्रेंड्स ये सर्च करेंगे तो आपको फैंटेसी गुरुजी का ऑफिशियल चैनल आपको दिख जाएगा जिसमें कि जो है तकरीबन 2325 मेंबर ज्वाइन है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जब इसमें से रिलेटिव कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज़ कुछ भी आता है तो सबसे पहले आपको इसी ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की प्लेइंग 11 की, तो देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको जो है कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट और ऐसे सैम वेटमैन ये दोनों ओपनिंग करते नजर आएंगे। दोनों ही अच्छे प्लेयर है, दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट काफ़ी गजब के फॉर्म में चल रहे हैं तो इनको ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 पर आपको शॉन मार्श खेलते नजर आएंगे जो कि अपनी टीम की तरफ से कैप्टनसी भी करते नजर आएंगे और ये जो है मतलब एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर है, हालांकि अभी संन्यास ले चुके हैं लेकिन फ्रेंड्स प्लेयर काफ़ी तगड़े, इनको जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। नंबर 4 पर आपको जो कैमरॉन ग्रीन खेलते नजर आएंगे, वहीं नंबर 5 आपको S2 टर्नर खेलते नजर आएंगे, नंबर 6 पे आपको जो है जॉस लिंगिंग खेलते हुए नजर आएंगे, नंबर 7 पे आपको एंड्रू हार्ड्रिन खेलते हुए नजर आएंगे। बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करते हैं, काफी गजब का फॉर्म में दिखे थे लास्ट मैच में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। नंबर 8 पे आपको एस्टोन एगर को ट्राई कर लीजिएगा। एक बात आपको ध्यान देना फ्रेंड्स, सब प्लेयर को ड्रॉप कर दीजिए लेकिन आप एगर को बिल्कुल भी ड्रॉप मत कीजिएगा क्योंकि ये बैटिंग भी काफी शानदार कर लेता है और साथ ही साथ बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग तो इनका बहुत ही गजब है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 9 पे आपको जो है मैट केली खेलते हुए नजर आएंगे, नंबर 10 पे आपको लियाम गर्थ खेलते हुए नजर आएंगे, वहीं नंबर 10 की बात करें तो आप ऐसे कैमरॉन गॉर्डन को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी जी फ्रेंड बात करते हैं टीएस की प्लेइंग 11 की, तो देखिए यहाँ से तस्मानिया की तरफ से आपको जॉर्डन सिल्क और यहाँ से एलेक्स दुलान ये दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जॉर्डन सिल्क और एलेक्स दुलान दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 पे आपको जो है काइल वॉर्किमिंग खेलते हुए नजर आएंगे, नंबर 8 पे आपको जो नेथन इल खेलते हुए नजर आएंगे, नंबर 5 पे बेन मैकडोमंड खेलते हुए नजर आएंगे। फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान देना, प्लेइंग 11 में हो सकता है थोड़ा वो चेंज हो जाए कि यहाँ से जॉर्डन सिल्क की जगह में यहाँ से बेन मैकडोमंड को जो ओपनिंग दिया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होना बहुत ही कम चांसेस है। अगर ऐसा कुछ होता तो आपको जो हमारे टेलीग्राम पे न्यूज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया गया है। बाकी फिर बात करते हैं नंबर 6 पे आपको जो है जेक डॉरन खेलते हुए नजर आएंगे, नंबर 7 पे आपको टीम पाइन खेलते हुए नजर आएंगे जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन भी है। और अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है मतलब टेस्ट टीम है उसकी अपनी कैप्टन मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम के टेस्ट मैच के कैप्टन है, तो ऐसे में आप इनको ट्राई जरूर से कर लीजिएगा। हालांकि इनका बैटिंग लेट जरूर है लेकिन फिर टेस्ट मैच है तो कोई उतना इशू होने वाला नहीं है। बाकी नंबर 8 पे आपको जो है वेबस्टर खेलते नजर आएंगे, शानदार बॉलिंग करें, वहीं नंबर 9 पे आपको जो है टॉम एंड्रू खेलते नजर आएंगे, नंबर 10 पे आपको पीटर सडील खेलते नजर आएंगे और नंबर 11 पे आपको जो है जेक्स बर्ड खेलते नजर आएंगे। फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान देना है, आप इन दो बॉलर को बिल्कुल भी अपनी टीम से ड्रॉप मत कीजिएगा क्योंकि पीटर सडील जो है मतलब बहुत ही गजब के बॉलर है, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों टीमों का प्लेइंग 11 रहने वाला है, अगर आप अपनी टीम बना रहे थे इन्हीं 22 प्लेयर में से किसी 11 को ट्राई कर लीजिए। तो आप चलते अपने ड्रिलमैन टीम की तरफ, तो फ्रेंड ड्रिलमैन टीम की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे ड्रीमलैंड टीम की, तो देखिए फिलहाल ऐसे में विकेट कीपर सेक्शन में जो है मैथ्यू वेट को ट्राई करो, साथ ही साथ ऐसे में जो है वेथमैन को अपनी टीम में लेकर जा रहा है, ये दोनों विकेट कीपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, आप इन दोनों को ही ट्राई कर सकते हैं। हालांकि देखिए अगर आप ऐसे चाहे तो टीम पेन को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड देखिए टीम पाइन जो है प्लेयर अच्छे लेकिन फ्रेंड्स टेस्ट मैच में जो इनका मतलब वो परफॉर्मेंस उतना कोई खासा हो नहीं पा रहा है, तो इस वजह से जो है
मैं इनको अपनी टीम से अवॉइड करा। आप इनकी जगह में मैथ्यू वेट को ट्राई कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले। नंबर तीन या फिर ओपनिंग, ये दो में से किसी एक बैटिंग ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे और लगातार अच्छा भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो फिर बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, ऐसे में शॉन मार्श को लेकर जा रहा हूँ, कैमरन ग्रीन को ट्राई करो, साथ ही साथ ऐसे में कैमरन बैनक्रॉफ्ट को लेकर जा रहा हूँ। वहीं बात करते हैं ऐसे में जो है बेन मैकडोमेंड को भी अपनी टीम में ट्राई करो। अगर आप ऐसे चाहें तो एलेक्स डूनल को भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है बहुत से लोग डार्सी शॉट को भी ट्राई करें, लेकिन मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, डार्सी शॉट इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे लास्ट टाइम में कोई न्यूज़ वगैरह आता आता है इनसे रिलेटिव कि ये खेल रहे इस मैच में, तो आपको जो हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा न्यूज़। बाकी जो फिर बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो आप इसे एस्टोनेगर को ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे वेवेस्टर को लेके आ सकते हैं। ये दोनों ऑलराउंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। इन सभी के अलावा आप यहाँ से जो है कॉर्थोराइट को भी ट्राई कर सकते हैं, कॉर्थोराइट भी इंपॉर्टेंट पे रहने वाले। लेकिन फ्रेंड्स, कॉर्थोराइट इस मैच के लिए अवेलेबल है या नहीं ये थोड़ा सा डाउट है, तो इस वजह से जो मैं इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो फिर बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, ऐसे में जो पीटर सडील को लेके जा रहा हूँ, मैट केली को ट्राई कर रहा हूँ। वहीं लास्ट ऑप्शन की बात कर देते, ऐसे में जे ब्रीड को अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। ये तीन बॉलर इंपॉर्टेंट रहने वाले। हालांकि अगर आप ऐसे चाहे तो आप ऐसे जो है सी गैनन को भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से जो है रियल मेरेडिट को भी लेके जा सकते हैं। हालांकि मेरेडिट प्रैक्टिस तो करते हुए पाएगा, लेकिन फ्रेंड्स इस मैच में ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे कंफर्म नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर दें, जैसे मैं एस्टोनेगर को कैप्टन दे रहा हूँ, वाइस कैप्टन की बात करें जैसे मैं सी ग्रीन को वाइस कैप्टन दे रहा हूँ। हालांकि वाइस कैप्टन आप यहाँ से कैमरन बैनक्रॉफ्ट या फिर आप शॉन मार्श बेन मैकडोमेंड में से किसी को बना सकते हैं। टीम प्रीव्यू की बात करते हैं, फिर दे सकते हैं, ये मेरा टीम प्रीव्यू है। अगर आप इस टीम के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी बहुत टीम चेंजेस करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।